विश्व को एडिट करेंगे फिर ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे। 20 लाख रुपए का चेक जिला पंचायत निधि के खाते में प्रस्तुत हुआ था क्लियरिंग के माध्यम से जी, केनरा बैंक से क्लियरिंग प्राप्त हुई थी जी। वो अमर सिंह के नाम से जारी किया गया था जी, लेकिन उसमें जब प्राप्त होने पर पता किया गया तो उसमें हस्ताक्षर भिन्न थे जी जी। फिर तो इसकी सूचना जिलाध्यक्ष महोदय और कार्यालय को दी गई जी, तो उन्होंने आके बताया कि चेक हमारे यहाँ से गुम हो गया। तो वो क्या फर्जी तरीके से निकालना चाहता था? उसके जो दस्तखत थे उन्होंने कहना है कि वो दस्तखत फर्जी है और हमारे दस्तखत जो रिकॉर्ड में उससे वो मिलान नहीं कर रहे। फिर क्या हुआ? उस चेक को वापस कर दिया गया, भुगतान रोक दिया गया उस चेक को। तो वहाँ जिला पंचायत में आपने जानकारी की इसकी? जिला पंचायत में इसकी जानकारी दे दी गई थी समस्त। वहाँ बता क्या बताया गया था? वहाँ से ही बताया गया कि ये फर्जी चेक हमारे यहाँ से चोरी हो गया। क्या जालसाज? लेखाकार ने ऐसी सूचना दी। क्या जालसाज था ये? अब ये तो जांच का विषय। फिर रोक दिया गया उसको भुगतान का? भुगतान का रोक दिया है इस तरीके से 20 लाख रुपए का। आपकी सक्रियता अगर नहीं होती तो निश्चित तौर पर 20 लाख का चुना लगाया जाता था सरकार के खाते से। पूरी सतर्कता से बैंक में काम किया जाता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हस्ताक्षर मिलान होने पर ही भुगतान किया। FIR करा दी गई है इसमें बता रहे हैं? इसमें विभाग द्वारा जिला पंचायत द्वारा FIR करा दी। क्या नाम था आरोपी का? आरोपी तो क्लियरिंग। क्या नाम क्या था इसका जो लेकर चेक जारी जो लेकर जिसका नाम जारी हुआ? चेक अमर सिंह के नाम से जारी, अमर सिंह के नाम से।